शासकीय राशि गबन करने के आरोप में लाइनमैन गिरफ्तार। लोरमी के खामही फिटर में वर्षों से जमे रहे लाइनमैन विजय मार्कड़े के द्वारा खंभा लगवाने या मीटर लाइन कनेक्शन के नाम पर किसानों से राशि उगाही करने का शिकायत लगातार मिल रही थी, किंतु कहीं कोई शिकायत नहीं होने से हौसला बुलंद था। किंतु इस बार शासन की राजस्व बिजली विभाग की वसूली की राशि को गबन करने के मामले को लेकर विभागीय शिकायत थाना लोरमी में किया गया, जहां जांच के दौरान किसानों से बिजली विभाग की राजस्व वसूली के राशि 15,45,041 रुपए को जमा नहीं करते हुए खुद ही शासन की राशि को गबन करने के मामले जांच में आए हैं, जहां लोरमी पुलिस के द्वारा शासकीय राशि गबन करने के आरोप में धारा 409 के तहत विभिन्न धाराओं से गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। खामी विद्युत विभाग की तरफ से एक आवेदन हम लोग को मिला था, जिसमें वहाँ पदस्थ विजय कुमार मार्कंडे जो है उसके द्वारा शासकीय पैसों का गबन करने की सूचना दी गई थी, जिस पर से हम लोग जो है दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर 409 धारा APC के तहत अपराध पंजीबद्ध कर आज उसमें गिरफ्तार किया गया है और न्यायिक रिमांड पर भेजा गया। ये गबन नौकरी लगाने के काम पर किस तरह का? नहीं, ये नौकरी लगाने के नाम पे नहीं है, ये राजस्व वसूली के नाम पे लोगों से जो पैसा लिया गया था उसको विद्युत कंपनी को ना देकर स्वयं गबन करने का आरोप है। संबंध में हमको अभी शिकायत नहीं है। वर्तमान में जो FIR उनके विरुद्ध किया गया है वह जो है राजस्व वसूली जो उनने विद्युत विभाग की तरफ से किया था वो विद्युत विभाग को ना देकर स्वयं गबन करने का आरोप में हमने FIR किया है। मुंगेली से प्रीतम दिवाकर, CGVision TV।